गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? हमको तो नहीं लग रहा सर खुलेंगे। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अब तो प्री एंड शुरू होने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ मैं, ये बीबी, ये आपका यूजी वाले, जैसे बीबीए, कौन सा? बीटेक, अच्छा यूजी, बीबी यूजी, यूजी अभी आप लोग के, यूजी हाँ अलग। जैसे बीबीए के, बीबी फर्स्ट ईयर नहीं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और बीटेक भी शुरू हो रहा है अभी, मेरे ख्याल से 11th जैन से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग को बुला लिया है सर अभी प्रिंट तो रोज। ऑफलाइन होंगे? प्रिंट ऑफलाइन होंगे सर? सब नहीं, ऑनलाइन ही हो रहे हैं अभी तो। ठीक है सर। क्योंकि सर अगर ऑफलाइन होंगे तो कम से कम 1 मंथ की क्लास तो देनी चाहिए स्टार्टिंग में। पता नहीं यूनिवर्सिटी ने क्या सोच ऑफलाइन रखा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी का अभी कुछ यूनिवर्सिटी क्लियर करेगी तभी तो कॉलेज कुछ क्लियर कर पाएगा, प्रॉब्लम यही हो रही है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई है नहीं। यही कॉलेज में खुला, बाकी सारे कॉलेज खुल गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीबीडी में सभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मेरे ख्याल से AKTU जो यूनिवर्सिटी है उधर से जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है ज्यादातर में ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही है, जो भी मैंने भी। खुला हुआ है, सब खुले हुए हैं सर। नहीं, बीबीडी तो नहीं खुला हुआ है, वहाँ तो मुझे पता है उधर ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही है, चाहे बीबीडी वो यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो। ऐसे खुल तो जाना चाहिए, वो तो प्रॉब्लम है। अब अभी मेरे ख्याल से अभी ऐसे ऑनलाइन तो कुछ समझ में नहीं। तो ये सब पेपर फिर भी चले जा रहे होंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल पेपर है, जो वैसे प्रैक्टिकल थोड़े पेपर से, उसमें सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। सर इस सेमेस्टर चांसेस कम है क्या खुलने के? अभी तो मुझे लगता है चांसेस कम है, क्योंकि अभी तो सब कुछ आ गया, सारा स्केड्यूल आ गया, आप लोग के प्री एंड का स्केड्यूल आ गया सब कुछ, तो अभी मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है। फर्स्ट फेब से आप लोग के प्री एंड स्टार्ट होने हैं, अभी जनवरी भर क्लासेस हैं, जनवरी में क्लासेस केवल सर शुरू। ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? अभी देखो जो जैसे मैंने बताया यूजी की क्लास जो है, जैसे कि बीबीए और बीटेक, इनके इनके प्री एंड अभी 11th जैन से स्टार्ट होने हैं, वो ऑनलाइन हो रहा है, तो अगर वो ऑनलाइन हो रहे हैं तो तुम लोग के भी चांसेस हैं ऑनलाइन ही होने का। फॉर्मेट वगैरह सब वही सेम है, वैसा ही है, मतलब वही गूगल फॉर्म पे ही एग्जाम्स होने हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर ही मतलब खुलेगा अब सीधे। सर अगर इससे हम लोग के प्रिंट अगर ये गूगल फॉर्म पे होंगे ऑप्शनल, एंड सेम भी हम लोग के ऐसे ही होने चाहिए, या फिर मतलब अगर कॉलेज में भी पेपर होते तो उसके लिए ऑप्शनल आना चाहिए या? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है, वही प्रॉब्लम हो रही है। अगर यूनिवर्सिटी क्लियर कर दे, नहीं मुझे ऑफलाइन लेना है, या जैसे पहले पिछली बार लिया था वो तो, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चंस ही थे, तुम लोग के नहीं हुए थे शायद, हाँ नो नो सर फाइनल के हुए। फाइनल ईयर के हुए थे, तो अगर अब वही प्रॉब्लम हो रही है ना कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई क्लियरेंस, मतलब कोई क्लियरली वो बता नहीं पा रहे कि क्या होगा। अगर वो क्लियर कर दे तो इधर से भी सब कुछ मतलब फिर होने लगे, ऑफलाइन बोल दें तो इधर ऑफलाइन शुरू हो जाए, यस सर। वो प्रॉब्लम हो रही है। यूनिवर्सिटी को भी बता देना अब चाहिए। अभी हो सकता है अब वो कुछ क्लियर करें, क्योंकि ये इनके जो आपके बीटेक वगैरह में जो फोर्थ ईयर है, हाँ फोर्थ ईयर है, उनके एग्जाम्स अभी होने हैं शायद, फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर,
हो सकता है उधर फिर वो लोग क्लियर कर दे कि भाई अभी, क्योंकि अब होने वाले हैं जनवरी में इनके प्री एंड खत्म हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से जनवरी लास्ट वीक या फिर फर्स्ट वीक में इनके फाइनल एग्जाम्स होने हैं, तो वो चीज फाइनल एग्जाम होने, हाँ एंड सेम जो होता है सर, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके लिए सर, उसका जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम है जैसे बीटेक का है उनका भी ओपन नहीं हो रहा है सर, प्रैक्टिकली तो कुछ नॉलेज मिल ही नहीं रहा है उन लोग को। सही बात है, वो तो सही बात है, वो तो मैं मानता हूँ, वो तो सही बात है, नहीं हो पा रहा है वो सारी चीजें। जैसे अब तुम लोग के समर ट्रेनिंग भी ऐसे निकल गई, समर ट्रेनिंग मतलब बहुत वो तो तुम लोगों को बैठे बैठे घर बैठे बैठे ही हो गया ट्रेनिंग वगैरह, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समर ट्रेनिंग आप लोग के लिए थी। अभी उधर ही सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती उधर से ही मिलती, लेकिन सर 2 साल का MBA होता है, 1 साल कोरोना में हो गया, 1 साल पूरा कोरोना में। सही बात है। अभी आगे देखो क्या होता है पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी फिर उम्मीद कम हो गई। हम लोग को तो बुला लिया अभी रेगुलर, हम लोग को तो अभी रेगुलर आना है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहे। अभी प्रॉब्लम ये है कि ना गवर्नमेंट की तरफ से इतने रूल्स रेगुलेशंस है ना कि अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो फिर वो कॉलेज को इतना पेनल्टी लगा देंगे कि फिर कॉलेज चलने के लायक नहीं रह पाएगा। प्रॉब्लम यही हो रही है, इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस इतने ज्यादा बना दिए, लेकिन बाकी कॉलेज सारे तब भी खुल गए, तो वही है भाई, उसमें उनमें हिम्मत है, उनको लग रहा कर लेंगे, लेकिन वही बात है ना, रिस्क पे काम कर रहे। सर यहां सर ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी ले रहे हैं, खुल चुकी है सर। नहीं सर ये तो सब बिजनेस हुआ पूरा सर, एजुकेशन बिजनेस हो गया सर। फीस तो हम लोगों से प्रॉपर लिए हैं सर, रिस्क भी नहीं ले रहे हैं और हाँ प्रॉफिट तो हो ही रहा है। सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सर 2 महीने से सर बीबीडी खुल चुका है नौ, बहुत लोगों का ऐसा चीज कि वो लोग ने, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने तुरंत ज्वाइन किया और ये सोचा कि बस जॉब मिल जाए मुझे, ठीक है, और आगे उनको प्रॉब्लम हुई 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उनको दिक्कतें शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि उनको वो वैसी जॉब नहीं मिली जैसी वो चाहते थे अभी। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको जिन्होंने वेट किया, ठीक है, 6 महीने 1 साल तक भी लोगों ने वेट किया हुआ है, ठीक है, और बाद में जब जॉब मिली जैसी उनको चाहिए थी वैसी मिली और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन लोग से बेटर पोजीशन पे है जो लोग पहले वाले, ठीक है, उन लोग से बेटर पोजीशन पे अभी वो। तो इसलिए मैं मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट है उनको यही बोलता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए इतना आप लोग परेशान मत हो, ठीक है, जब तुम्हें लगे कि हाँ ये जॉब है जिसको मैं कर सकता हूँ तभी ज्वाइन करो, ऐसे नहीं कि बस करना है जॉब करना है चलो कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आगे फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो वो ज्यादा अच्छा है। सबको जॉब मिल जाती है जिसका MBA कंप्लीट होता है ना, उसके बाद जॉब मिल ही जाती है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोग कॉलेज के प्लेसमेंट से, कुछ लोग कॉलेज से हो जाता है, किसी का अपना अप्रोच होता है वो हो जाता है कि सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कॉलेज को कुछ तो करना ही चाहिए ना हमारे लिए, पर हाँ वो तो हम लोग कॉलेज तो करेगा नहीं, देखो जो कंपनी अभी तक आ रही थी वो आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, ठीक है, तो उसमें वो तो आप लोग को मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी, लोग जो कंपनी आए, मैं तो बीटेक वाले ही रहते हैं हम लोगों के साथ तो वैसे भी उनका ही पहले हो जाता है। ऐसा नहीं है बहुत सारी अभी अब तुम लोग का अभी कितना हुआ है कुछ भी नहीं प्लेसमेंट में, अभी कोई भी कंपनी कहाँ आई है MBA के लिए, ज्यादातर थोड़े बहुत आई हुई है, तो अभी आई थी हाइक आई थी, हाँ नहीं अभी और भी आएंगी जो बिल्कुल MBA के लिए ही आती है, आएंगे अभी और भी आएंगे, अभी और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि तुम्हारा कारवी सर तो उसमें भी बीटेक वालों को बैठा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता सर, अभी इन्फोवेज आई थी उसमें हम लोगों ने GD भी दिया बट कोई रिस्पांस नहीं आया, अगर हम रिजेक्टेड है सेलेक्टेड है ऐसा तो कोई रिस्पांस आना चाहिए, बट अब वो तो प्लेसमेंट सेल में बात करना कि भाई क्यों रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं, कंपनी आती है मेल कैंडिडेट के लिए ही आती है।
प्लेसमेंट सेल बताएगा उसके बारे में मुझे नहीं पता कि क्या वो उनके साथ क्या हुआ, लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि कोई कंपनी नहीं आएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं बताता है। नहीं तो प्लेसमेंट सेल आपसे बात करता है ना, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात करो, विजय सर हैं सर, अभी तक हमारी तो कभी बात ही नहीं हुई। विजय सर है ना कोऑर्डिनेटर, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर विजय सर है, शुभांगी मैम है, ये लोग से बात करो, ये लोग को पता होगा। या तो फिर जो है जो प्लेसमेंट, आप लोग का कोई ग्रुप बना है प्लेसमेंट वाला? यस सर। तो उधर बात करो, उधर ग्रुप में बात करो। कोई रिप्लाई नहीं देता। ऐसा नहीं है, होगा होगा, रिप्लाई आएगा बिल्कुल, ऐसा नहीं है। सर के थ्रू बात करो, मैम है, एचओडी मैम है, उनसे बात करो, वो बताएंगे। सर लगता है हम लोग स्टूडेंट नहीं है, बाहर के स्टूडेंट हैं। अभी मेरे ख्याल से देखो, अगर सब कुछ सही रहा तो अगले सेमेस्टर से ऑफलाइन तो क्लासेस चलनी चाहिए बिल्कुल। अभी तो मेरे ख्याल से सब कुछ कंट्रोल में है, तो हो सकता है फिर सिचुएशन बेटर हो और क्लासेस चले ऑफलाइन। अभी तो उम्मीद ये यही लगा सकते हैं सर। हमारे यहाँ से सर एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे ना? बिल्कुल, अभी तो मतलब जो अभी जो स्केड्यूल हुए हैं एग्जाम्स, जैसे कि तुम्हारे बीबीए और बीटेक के, वो ऑनलाइन ही हुए हैं। तो उन लोग के तो ऑनलाइन हो ही गए, अभी तुम लोग का अभी नोटिस नहीं आया, ज्यादातर चांसेस हैं कि ऑनलाइन ही हो। प्रियन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैसे होने अभी पता नहीं। बाकी आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दो, और बिल्कुल आप लोग के जो भी प्रॉब्लम्स है मैं एचओडी को एक बार बता दूंगा, मैम को एक बार बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। और लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैम भी आगे बात बताएंगी। और देखो फर्क कब पड़ेगा, जब आप खुद बात करोगे, आप खुद डायरेक्टली जब बात करोगे, हाँ मैं बोल दूंगा, लेकिन जब आप खुद डायरेक्टली बात करोगे तो शायद कुछ फर्क पड़े, हम लोग के ऐसे बात करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कर चुके, हाँ तो बस बस अभी फिर और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। सर रिप्लाई में उधर से आता है ट्यूट लिखो सरप्राइज दो, यही सब बताते हैं लोग। तो यार जब इतना टाइम काट लिया ना, तो एक दो महीने और काट लो, उसके बाद फिर देखते हैं, मार्च से हो सकता है। सर ज्यादा पूछने लगो तो कहते हैं तुमको बहुत जल्दी है कॉलेज खुलवाने की। अच्छा ऐसा भी बोलते हैं? हाँ अभी सर, तो सभी को जल्दी एक बार बोल चुके हैं, अभी तो सभी को जल्दी है, अभी तो इधर भी सभी को जल्दी है कि स्टार्ट हो जाए। दिक्कत ऐसा नहीं है कि केवल उधर तुम लोग को ही, इधर भी दिक्कत ही है ऑफलाइन की वजह से, प्रॉब्लम तो हो ही रही है। हम लोग की को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग का जो है वर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा काम बढ़ चुका है, मतलब समझ लो दुगना से भी ज्यादा हो चुका है। तो प्रॉब्लम तो दोनों तरफ है, मुझे भी प्रॉब्लम है, उधर स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम है, तो दोनों लोग इधर हम लोग भी यही चाहते हैं कि ऑफलाइन हो, प्रॉपर क्लासेस हो। और प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये है कि आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आता कि जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हैं वो कहाँ कितना जा रहा है, कितना स्टूडेंट उसको ग्रैब कर पा रहे हैं, कितना ले पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सर कुछ नहीं आता है सर, वही फ्रैंकली बता रहे हैं, कुछ नहीं आता है समझ में। मुझे पता है, मेरे ख्याल से केवल ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मतलब 75% मेरे ख्याल से ऐसे होंगे जो सुनते भी नहीं होंगे क्या हो रहा है, वो बस ऑनलाइन आ गए और अटेंडेंस हो गई, वो तो मुझे पता है। लेकिन अभी क्या करें, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। चलिए हो सकता है, अभी देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है चीजें, मतलब अभी हम लोग को रेगुलर बुला रहे हैं यहाँ पर, अगर तो फिर धीरे धीरे हो सकता है कि फिर बुलाना शुरू करे, ठीक है। जब इतना रिस्क ले लिया है कि अभी जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, जो फैकल्टीज हैं, इनको अभी रेगुलर बुला रहे हैं, तो हो सकता है अभी स्टूडेंट्स को भी बुलाए। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि अगले सेमेस्टर में खुलेगा। हाँ अभी अगले सेमेस्टर, वो तो अभी मेरे ख्याल से कर अगले खुलेगा। जो आप लोग के एग्जाम वो फेब फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने हैं, मार्च तक मेरे ख्याल से, मार्च में आप लोग के एंड सेम होंगे,
8 मार्च हाँ उसके बाद सर ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा यार उसका नहीं आइडिया प्रीएंड तो मुझे लगता है 90% चांसेस हैं ऑनलाइन के लेकिन और वो एग्जाम फाइनल जो एग्जाम्स है इंड सेम है उसका नहीं आइडिया है उसका भी ये जो जो बीटेक के हो रहे हैं जस्ट जो बीटेक के प्रीएंड हो रहे हैं या बीए के ये इन लोग के ऑनलाइन हो रहे हैं हाँ बिल्कुल ये ऑनलाइन है सब ऑनलाइन है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज फिर वही रिवाइज ही करेंगे थोड़ा बहुत ठीक है जैसे मैंने बताया दो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है इस पे तुम लोग को काम भी करना चाहिए जैसे कि अच्छा एक चीज और है जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा सा जैसे जो भी जॉब से रिलेटेड जब भी जो जैसे आप लोग अभी पूछ रहे थे कि जॉब नहीं है और कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था 9 जैन को मैंने एक वेबिनार रखा हुआ है वहां पर जैसे मैंने बताया था कि जो जिनको वेबिनार लेना है जो स्पीकर हैं उन्होंने कई कंपनीज में काम किया हुआ है जैसे कि आपका गूगल हो गया एक्सेंचर हो गया और मॉन्स्टर और ओरेकल ठीक है तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने काम किया हुआ है तो अभी उनसे आप लोग बिल्कुल ये सारी चीजें ये जो भी क्वेरीज हैं ये आप लोग जरूर पूछना कि कैसे वहां पर अपॉर्चुनिटीज कैसे पता चलती है कि वहां पे जॉब है उस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से वहां पे एंट्री ली जा सकती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जितना मुझे पता है ठीक है कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए वो फ्रेशर्स को अगर लेते भी हैं तो वो कैंपस में जाके लेते हैं तो वो और कैंपस मतलब वो तो भाई जो भी कैंपस में जाते होंगे वो तो अलग ही होते होंगे IIM वगैरह या जो भी उससे भी इसी तरह के कैंपस में जाते होंगे तो ठीक है वो तो चीजें एक है ठीक है तो चलो फ्रेशर्स की बात नहीं करते हैं चलो अगर हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम यहाँ से MBA करेंगे उसके बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे फिर कैसे करें तब वो बता सकते हैं कि भाई इस तरह से आप उनको अप्रोच कर सकते हो इस तरह से आपको अपनी CV बनानी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है CV कैसे बनानी है किस तरह से आपको CV बनानी है किस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है किस तरह से आपको पता करना है कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो नॉलेज स्किल्स सबके पास होती है ठीक है मतलब उतनी जॉब करने के बाद अगर 2-3 साल आपने जॉब कर लिया एक फील्ड में तो आपके पास नॉलेज भी अच्छी खासी होगी स्किल्स भी अच्छी खासी होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता कैसे जॉब लेनी है ठीक है आपको पता ही नहीं चलता कि जो है कैसे अप्लाई करना है वो प्रॉब्लम होती है आपको पता ही नहीं होता कि रेज्यूमे आपको कैसे बनाना है वो दिक्कत होती है ठीक है वही वो चीजें पे काम करना है तो उस तरह से आप लोग वहां पे क्वेश्चंस जो भी रहता है ठीक है उसको पूछना जैसे कि जो मुझे पता चला है कि उन्होंने ये बताया था कि जो सबसे जो बड़ी गलती होती है वो होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि रेज्यूमे CV कैसे बनानी है उन्हें यही नहीं पता होता ज्यादातर लोगों को कि अगर सपोज गूगल में मुझे अप्लाई करना है तो आपका रेज्यूमे अगर आपने ऐसे ही नॉर्मल सा बना दिया तो उनके पास हजारों लाखों रेज्यूमे पड़े होंगे तो क्यों शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनके पास सभी क्वालिफाइड होंगे जो भी हजारों लोग हैं अब इतने सारे लोग तो इंटरव्यू ले नहीं सकते तो वो सभी क्वालिफाइड होंगे सबके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही ठीक है तो उनको इससे ज्यादा उतना मतलब उन्होंने अपना क्राइटेरिया रख दिया कि हाँ ये ना 4 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए दो क्राइटेरिया रख लिया उसके बेसिस पे उनके पास हजारों एप्लीकेशंस आ गए तो अभी उसमें से शॉर्टलिस्ट करना है तो फिर वही चीज है फिर वही काम आता है आपका रेज्यूमे कैसा है आपका आपने किस तरह से वहां पे प्रेजेंट किया हुआ है किस तरह से उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस होना चाहिए थोड़ा अलग होना चाहिए और आसान होना चाहिए लोग को दिखे और वो समझ जाए कि हाँ इसको बुला लेना चाहिए इस तरह से होना चाहिए ठीक है तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज अप्लाई कैसे करना है वहां पर क्योंकि पता ही नहीं होता जॉब आई कि नहीं वो चीज जैसे एक बहुत छोटी सी चीज है जैसे कि आपके जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं ठीक है वहां पर ज्यादातर जो भी कंपनीज है जॉब पोर्टल्स के थ्रू हायर करती है वो क्या करती है थर्ड पार्टी से बोलती है कि भाई हाँ हमको इतने कैंडिडेट चाहिए वो लोग फिर अपना शॉर्टलिस्टिंग वगैरह वो करते हैं वो जॉब पोर्टल्स के थ्रू शॉर्टलिस्ट करते हैं ठीक है तो कीवर्ड्स
अगर आप सर्च इंजन पे काम कर रहे हो, वो सर्च इंजन है एक, वहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू वो सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो चीज, वो कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए जय, और जैसे कि जो भी फील्ड का, जो भी एक्सपीरियंस या जो भी चीज है, वो कीवर्ड्स है, अगर वो कीवर्ड आपके रेज्यूमे में, तो बिल्कुल आपका वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये टाइम को यही सब चीज में आपको ये सारी चीजों के लिए आपके पास बाद में MBA करने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर इधर आपको इस बारे में पता चल गया कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो फिर आगे का टाइम तो आपको बच जाएगा ना, ठीक है। आगे आपको इतना सबको, जैसे लिंक्डइन, उस पर बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो जॉब पोर्टल जो कह सकते हैं कि वो लिंक्डइन है, सबसे ज्यादा जॉब आपको उधर ही मिलेगी, जो जो मतलब जितनी भी अच्छी कंपनी है वो उधर ही से जो है आप उधर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो उधर एक्टिव मतलब कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कैसे काम करता है वो जॉब पोर्टल या फिर लिंक्डइन, कैसे काम कैसे करता है, और किस तरह से आपको जो है उधर अपना अपडेट, और एक चीज और है, अपडेट करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जॉब पोर्टल हो या लिंक्डइन है। अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो, बस आपने कहा कि चलो यार अच्छे से प्रोफाइल बन गई है मेरी, सारा कंटेंट भी बढ़िया है, सब कुछ सही है, कीवर्ड्स भी डाल दिए, लेकिन अभी छोड़ दिया उसको, नहीं फिर भी नहीं वो प्रॉब्लम है, फिर आपको क्या करना है, उसको अपडेट करते रहना हमेशा, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है, संडे को जो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी आप जो भी जिसको भी हायर करना है, जब वो सर्च करेंगे, तो आपका जैसे आपने अपडेट किया, तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट में पहले शो होगा आपका नाम, ठीक है। क्योंकि वही तो मैं बता रहा हूँ, इतने सारे लोग उधर हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, तो पहले कई कई बार ऐसा होता है जब कंपनी हायर करने बैठती है, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर के 100 जो रिजल्ट्स हैं उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया, उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि बाद वालों को देखें। तो आपके पास कितना भी अच्छा रेज्यूमे बना लिया, कितना भी अच्छा कुछ एक्सपीरियंस है, कितनी भी नॉलेज है, अगर उन्होंने देखा ही नहीं तो फिर मतलब क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कि यार इतना टाइम तो है नहीं, चलो टॉप 100 है, इसमें से देख लेते हैं, इसमें से 10 को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही सारे क्वेश्चंस उधर करना, जो भी वेबिनार होगा, फिर वहां पे देखना कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो, किस तरह से शॉर्टलिस्ट हो आपके रेज्यूमे, किस तरह से आप जॉब ले सकते हो, एंट्री कैसे ले सकते हैं, ठीक है। एक एक फ्रेशर्स के लिए, कैसा जो है रेज्यूमे होगा, एक जो किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसका रेज्यूमे कैसा होगा, सब अलग तरह से होता है। कई कई लोग तो ऐसा करते हैं, अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग रेज्यूमे, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि सपोज फेसबुक है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है या फिर गूगल है, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या किया, एक को मैंने ये भी देखा, उन्होंने क्या किया, एक फेसबुक जो प्रोफाइल होती है उस डिजाइन में उन्होंने अपना रेज्यूमे बनाया फेसबुक में अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल शॉर्टलिस्ट हुआ, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक था ना, थोड़ा अलग चीज लेके गए। अब वही मैंने बताया ना, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जब सब जगह सबकी बराबर हो जाती है ना, तो यही सारी चीजें मैटर करती है। तो उन्होंने उस तरह से बनाया हुआ था, एक फेसबुक प्रोफाइल की तरह रेज्यूमे बनाया हुआ था। एक का मैंने देखा था रेज्यूमे, उसने क्या किया हुआ था, उसने रेज्यूमे में अपने, अभी क्या है ज्यादातर अप्लाई ऑनलाइन होता है, ठीक है, तो उसने रेज्यूमे में अपना एक यूट्यूब का लिंक एक शेयर किया हुआ था। यूट्यूब के लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो उसमें एक वीडियो था जिसमें वो अपने बारे में बता रहा था, ठीक है। उस वीडियो में उसने खुद को भाई अपने बारे में बताया कि भाई हाँ मैं इधर को बिलोंग करता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो सारे अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दिया उसने। तो ये भी एक नई चीज है कि आपके रेज्यूमे में अगर किसी को देखना है कि भाई हाँ, अगर मतलब कि आपका वीडियो वो बहुत आसानी से देख सकते हैं, तो उसका भी एक जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें हैं, मतलब केवल यही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग खुद से सोच सकते हो कि हाँ क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अभी ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं सोशल मीडिया के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग बात तो कर रहे थे सोशल मीडिया की, जैसे मैंने बताया था कि प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो एक प्रोफेशनल अकाउंट एक कैसे क्रिएट करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग ने वीडियो लेक्चर में देखा था
तो उसका एक अलग तरीका होता है जो आप लोग ने देखा था, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर देखते हैं कि आपको सोशल मीडिया पर कैसे पेज फैन पेज बना सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया पर कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। सोशल मीडिया मार्केटिंग is a form of internet marketing that involve creating and sharing content on social media networks in order to achieve your marketing branding goals. अच्छा, जॉब लेने में सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ने, मैंने ये भी देखा है कि अपने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट उधर भी उसको भी शेयर करते हैं और लोग देखते भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो भी कंपनी होती है, मतलब कि सपोज तुम्हें उसको हायर, तो इंटरव्यू हो गया, अभी वो देखते हैं, चेक करते हैं कि सोशल मीडिया पर ये इसके प्रोफाइल कैसी है, वहां पर वो बिल्कुल चेक करते हैं। जब उनको हायर करना होता है सोशल मीडिया को पर भी आपके प्रोफाइल को चेक करेंगे वो, ठीक है। जो अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, ये भी मैंने सुना हुआ है कि आप जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आपका जो भी पेज है तो वहां पर वो देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे किस तरह से आपने वहां पर कमेंट किया हुआ है, कैसा आपका प्रोफाइल है, वो सारी चीजें भी उधर से भी वो जज करते हैं लोगों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर जाओ तो कुछ भी, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी तो वो मतलब कि हायर करने से पहले वो एजेंसीज को, जो हायर करने से पहले वो एजेंसीज को बोलते हैं कि भाई हाँ, इनको चेक करो, इन्वेस्टिगेट करो, इनका पूरा हिस्ट्री निकालो, देखो क्या है, इनका एक्सपीरियंस कैसा है और इनका जो भी चीजें, हिस्ट्री कैसी है, इन्होंने का जो भी एक्सपीरियंस था वहां पे जॉब में, और बहुत सारी चीजें वो चेक करते हैं, उसके बाद हायर करते हैं। तो जो है वो सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक पोस्टिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड अदर कंटेंट दैट ड्राइव्स ऑडियंस एंगेजमेंट एज वेल एज पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। अभी क्यों जरूरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। फेसबुक की बात करूँ या फिर ट्विटर की बात करूँ, तो फेसबुक में 1.21 बिलियन, ट्विटर में 1 बिलियन, अभी तो ज्यादा ही होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। और इसके बाद फिर यूट्यूब, ठीक है, ये भी आपका सोशल मीडिया है। यूट्यूब को आप सर्च इंजन प्लस सोशल मीडिया दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ पर 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। गूगल प्लस क्या, वो तो अभी काम करता नहीं। मेन क्या है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अभी चल रहा है, ठीक है, इसमें है नहीं लेकिन इंस्टाग्राम भी है। और ठीक है, अभी यहां पर देखिए दिया गया 5 reasons स्मॉल बिजनेस शुड यूज सोशल मीडिया टू मार्केट देयर बिजनेसेस, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, तो यहाँ पर आपके रिसोर्सेस अगर आपके पास नहीं है, फंड नहीं है, फिर भी आप इधर प्रमोशन कर सकते हो, इधर मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बिग बिजनेसेस है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास फंड है तो वो कोई भी किसी भी तरह से, वो उनके पास ऑफलाइन तरीका भी है, ऑनलाइन तरीका भी है, पेड भी है, अनपेड है, वो हर तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो नया जिन्होंने अभी सेटअप लगाया हुआ है, जिनके पास फंड नहीं है, उनके लिए सोशल मीडिया से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने फंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेड तरीका भी है लेकिन अनपेड भी है, आप दोनों तरह से यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। और रीच, मतलब यहाँ पे इतने ज्यादा लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और बिना कुछ खर्च किए आप इतने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यू कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ मोर स्पॉन्टेनियस वे विदाउट पेइंग लार्ज एडवर्टाइजिंग फी। बहुत ज्यादा कुछ आपको पे भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर मैं पेड की बात करूं, जो पेड मेथड है, उधर भी बहुत ज्यादा कुछ पे नहीं करना पड़ता सोशल मीडिया पे। द यूज ऑफ ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया एंड सोशल एंड बिजनेस नेटवर्किंग साइट्स कैन इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स। दिस
इंटर्न में इंक्रीज योर पेज